विधानसभा चुनाव में राजस्थान में हुई हार की अब बीजेपी समीक्षा करने जा रही है। 11 से 12 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही प्रदेश के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और राजस्थान बीजेपी के कई वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल होंगे। बीजेपी हार की समीक्षा करने के साथ ही इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी मंथन करने वाली है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पार्टी के नेताओं को तैयारियों का रोड मैप भी दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली इस बैठक में वसुंधरा राजे के साथ ही प्रदेश बीजेपी के 300 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। दिल्ली में दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में अमित शाह पार्टी की हार वाली सीटों का स्थानीय समीकरणों का फीडबैक भी लेंगे, साथ ही हार के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी। इसके बाद राजस्थान के नेताओं को लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों का रोड मैप दिया जाएगा। इस बैठक में राजस्थान में बीजेपी के नाराज नेताओं को मनाने की भी कोशिश की जाएगी। प्रदेश में लगभग एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर बागियों ने पार्टी प्रत्याशियों की जबरदस्त खिलाफत की थी और पार्टी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा बीजेपी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहती।